अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि जो 80% नौजवान हैं वो नामर्दी का शिकार हो चुके हैं गलत कामों की वजह से, और 20% ऐसे हैं जिनके अंदर मादा की कमी है जिसकी वजह से वो नामर्दी का शिकार हुए हैं। 80% वो हैं जिन्होंने कसरत जमा किया है, लौंडेबाजी की है, और कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पर अजू को घुसाने की कोशिश न की हो, वहां वो उन्होंने छोड़ी नहीं है। अपने अजू का सत्यानाश 80% नौजवानों ने कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहकीक मेरे सामने पड़ी हुई है, ये गोरे की तहकीक है, उन्होंने की है। और 20% नौजवान ऐसे हैं जो मादा मनुइया की कमी की वजह से वो नामर्दी में मुबतला हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज इसका इलाज बताता हूँ कि आपको नामर्दी से पूरी मर्दानगी यानी कामिल मर्दानगी तक पहुंचाने में सिर्फ 3 चीजें आपकी खिदमत में दरकार हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। सबसे पहले नंबर पर इसमें जो चीज शामिल होती है वो है कलवंजी। कलवंजी 60 ग्राम की मकदार में आपने लेनी है। तीनों चीजें आपने हम वजन लेनी है, वैसे नुस्खा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ 60 ग्राम आपने लेनी है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए अकरकरा, ये भी 60 ग्राम की मकदार में चाहिए। तीसरे नंबर पर मिश्री चाहिए, ये भी 60 ग्राम की मकदार में। अब चौथे नंबर पर एक चीज चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आपने इन तीनों चीजों को पीस लेना है, अच्छी तरह साफ करके फिर दोबारा पीसिएगा, अच्छे तरीके से सबूत तैयार हो जाएगा। फिर इसमें आपने तुखमे रेहान, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी 60 ग्राम लेकर ये अलग आपने पीसकर इसके अंदर शामिल करने हैं। इसके अंदर ही आपने नहीं पीसना, ये आपने अलग पीसकर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और फिर तकरीबन आधा चमच रात को आपने सोने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और ये 20 दिन का इस्तेमाल है। वैसे तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने आएगी हर चीज, वैसे इसका इस्तेमाल जो पूरा कोर्स है इसका इस्तेमाल जो है वो 20 दिन का है। 20 दिन बाद आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपकी कमजोरी आपके अंदर दाखिल कर सके, और दुनिया की कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जो आपके जिस्म में मौजूद हो और वो बाहर ना निकल पाए। ऐसी जबरदस्त चीज आपको बता दी है कि ये बिल्कुल शफा का मजर है, क्योंकि इसके अंदर कलवंजी शामिल है। कलवंजी में सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज मौजूद है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस शरीफ है, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा और इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद रखते हैं कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी दूसरे भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल इस तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।